थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सरकार के एपिसोड के साथ मैं अपनी काबीना लेके एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कैसी तबीयत है आप सब लोगों की? अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे लफ्ज कमीना समझ आए अपने काबीना का। अपने अपने मतलब की चीज निकाल लीजिए। लो जी पिछले दिन बड़ा एक मजेदार वाकया हुआ। जी जी मैंने अपनी खिड़की में से देखा कि दो लोग एक दूसरे के सामने खड़े एक दूसरे को घूर रहे हैं और घूरते घूरते उन्होंने गुफ्तगू शुरू की। फिर वो गुफ्तगू में एक दूसरे को उन्होंने ताने देने शुरू किए। फिर उसके बाद थोड़ी सी बात बढ़ी, गालियां देनी शुरू कर दी। मैं काफी देर इरिटेट हुआ, फिर मैं नीचे गया और फिर मैंने जाके उन दोनों को कहा कि भाई जो जिस्म के जख्म होते हैं वो भर जाते हैं, लेकिन जो अल्फाज के जख्म होते हैं ना वो नहीं भरते। तो ये बात सुनने के बाद उनको अकल आई और फिर उन्होंने हाथापाई शुरू की। यानी कि उससे पहले सिर्फ उनकी बात थी। अच्छा लड़ाई उस वक्त ही होती जब तीसरा बंदा बीच में आए। अब देखिए ना, पहले जब दो लोग झगड़ा करते ना तीसरा छुड़वाता था, अब जब दो लोग झगड़ा करते ना तीसरा वीडियो बनाता। बहुत चेंज हो गया, ये हमारे रवैये बदल गए हैं। कभी हुआ है सामने जी? तमाशबीन बनते जा रहे हैं। हाँ एंटरटेनमेंट नहीं अनुमान भाई, क्या करें? तो क्या हमें किसी के झगड़ों में एंटरटेनमेंट नजर आता है? नहीं सॉरी, मैं असल में अपनी बात में कुछ और कहना चाहता था लेकिन चली उस तरफ गई, क्योंकि हमारे पास वही आके मोबाइल, घर के मसले, महंगाई का शोर और इतनी टेंशनें हैं कि हम जो चीज डिफरेंट देखते ना वहां खड़े हो जाते हैं। घर की बाहर की जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो शौहर घर में आकर ही निकालता है सर। शौहर कह रहे बीवी से तुम सारा दिन घर में होती हो फिर भी घर की सफाई नहीं होती। बीवी कह रही आप भी तो सारा दिन ऑफिस में होते हो फिर हम अमीर क्यों नहीं होते? होते ना छोटी छोटी बात। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कह रहा है यार मेरी बीवी और मेरी महबूबा साथ साथ आ रही है। दूसरा दोस्त कह रहा है मैं भी यही बोलने वाला था। प्यार से अगर कोई भी बुरे से बुरा लफ्ज भी आप बोल दें प्यार से You can get away with it. कहते हैं ना जी अल्फाज से ज्यादा लहजा मैटर करता है। आप कड़वे अल्फाज नरम लहजे में बोल दें आप निकल जाओगे और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। तो सर ये मोहब्बत क्या है आप मुझे बताइए, मोहब्बत की इब्तिदा कैसे हो? क्योंकि आप तजर्बाकार हैं, हमारी नजरें आप पे ही हैं। इब्तिदा और इंतहा भी बताइएगा। ना कि मैं आफताब इकबाल साहब हूं। बात सिर्फ इतनी है कि हम जो तमाशा देखने वाली, जैसे सामिया जी ने कहा कि हम तमाशा देखने, हम तमाशा देखते हैं, हम किसी को छुड़ाते नहीं है। हम इंतजार में रहते हैं कि लोग लड़े और हम अपना एंजॉय करें। तो ये जो रवैये हैं इनको तब्दील करने की जरूरत है। हमें पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। अगर कोई किसी के साथ हो भी गया आगे कोई झगड़ा तो अगर आगे बढ़ के अगर आप किसी को समझा के सुलह करवा देंगे तो इसमें क्या हर्ज है? पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ लोग लड़ाई से पहले कहते तू हाथ लगा के दिखा, वो लड़ाई के बाद कहते तूने हाथ कैसे लगाया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐबा उत्ते पर्दा पा, थाली उत्ते थाली रख, छोड़ मसाला लोकां ताई, अपना आप मसाली रख। बुलाते हैं आज के हमारे बड़े प्यारे मेहमान, वन एंड ओनली, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे कुलीग, बहुत शरारती, बड़ी मजेदार बातें करते हैं। मिलवाते हैं आपकी मुलाकात मोहम्मद राना साहब जी। मोहम्मद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यू डोंट कॉल मी मोहम्मद साहब। नहीं, यू शुड कॉल मी मोमी। हम अपने मेहमान की दिलो जान से इज्जत करते हैं और इज्जत देते हैं। मोमी आप मेरे लिए होंगे डेफिनेटली, लेकिन वो कैमरे के पीछे होंगे, कैमरे के सामने नहीं। कैसी तबीयत सर? अल्लाह का शुक्र। क्या हो रहा है आजकल? बस कोविड की वजह से सारा कुछ बंद था, लेकिन अब दोबारा शुरू हो रहा है काम वगैरह, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वैक्सीनेशन करा, वैक्सीनेशन करवा ली मैंने। तो कैसा लगा आपको इंतजाम? अमेजिंग। तो मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह का निजाम वहां पे सारा मैंने देखा तो आई वाज अमेज्ड। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब तो ये भी पता चला कि करोड़ से ऊपर हो गई है, और वेरी सून इंशाल्लाह एक डेढ़ महीने के अंदर कहने से 7 करोड़ वैक्सीनेशन हो जाएगी। नुमान सर, देयर इज अ पिक्चर इंस्टाग्राम जहाँ पे था कि आपका वैक्सीनेशन कार्ड विल बी एज इम्पोर्टेंट एज योर पासपोर्ट। पासपोर्ट, यस बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे एक चीज और भी हो सकती है नुमान भाई, अगर ये अनाउंस कर दिया जाए कि आप वैक्सीनेशन लगवा लें आप दूसरी शादी कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ
कि हुकूमत का कहना है कि जो खवातीन वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगी ना वो ब्रांडेड चीजें नहीं खरीद सकेंगी। ये गया वैक्सीनेशन के लिए तो उसने जाके पोलियो का टीका लगा के आ गया। इसकी तो सुई आर पार हो गई थी, बाहर गिर गई था। 2018 में गालिबन आखिरी फिल्म आई थी आपकी, उसके बाद से लेके आपका रुख ज्यादा टेलीविजन की तरफ हो गया? नहीं, 2018 में नहीं, 2019 में भी आई थी बिफोर कोविड। अच्छा, लेकिन कोविड जब आया पिछले साल जो बहुत ज्यादा हुआ, तो उसमें जारी बात है, 4-5 फिल्म्स हैं जो शूट रुकी हुई थी और मैं खुद भी नहीं कर रहा था। यू डिसाइडेड टू शिफ्ट टू कराची, क्यों? ड्रामों की तरफ रुझान बढ़ गया था इसलिए? एक्चुअली लाहौर में देर वॉज नो वर्क, तो जारी बात है क्योंकि हमारे तकरीबन 90% लोग शिफ्ट कर गए। तो आई वॉज देयर फॉर 3 इयर्स, बट पता नहीं एक जो फिल्म का जो होता है मजा और वो सारा, तो आई डिसाइडेड टू कम बैक। और फिर मेरा मानना ये है कि फिल्म की कल्ट डिफरेंट होती है, ये एक पूरी कम्युनिटी डिफरेंट है जिसका कोई लेना देना टेलीविजन से ऐसा नहीं है, या लार्जर देन लाइफ। मानो कि आप कंफर्टेबली घर में बैठ के किसी को बगैर पैसे खर्च किए देख रहे हैं, तो सुबह उसके लिए क्यों 500 रुपया खर्चेंगे? ये तो जस्तुजू होती है उसको देखने की, तो आप 500 रुपया खर्चते हैं। मैं जाती तौर पर यह समझता ठहराते हैं ये जो डाउनफॉल आया सिनेमा पे पाकिस्तान में? सर ये सारे हमारे जो बड़े थे, मतलब उसमें आप ये भी कह सकते हो उसमें मैं भी शामिल हूँ कि मैंने वो फिल्म्स क्यों की। वी डोंट हैव स्क्रिप्ट्स, वी डोंट हैव स्क्रिप्ट राइटर्स प्रॉपर्ली। अगर आपने किसी से लिखवानी भी है तो यू हैव टू, आपको उसके ऊपर बैठना पड़ेगा कि भाई ये नहीं ये लिख रहा है, ये चाहिए मुझे एज अ डायरेक्टर। मैं बात कर रहा हूँ अगेन कमिंग बैक टू योर पॉइंट, आपके पास डायरेक्टर्स नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन में ही बच्चे आना चाहते हैं। नॉट इनटू एक्टिंग, बीइंग एन एक्टर सन। जो रानिया है, जो छोटी है, शी इज इंटरेस्टेड कि वो अगर एक्टिंग भी करना चाहती है तो मैं उसको कभी भी नहीं रोकूंगा। वेरी गुड, कभी नहीं रोकूंगा। जैसा मेरी बड़ी वाली है रिया, वो इस वक्त top 5 मेकअप ब्लॉगर्स में है। शी इज डूइंग वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने कभी नहीं रोका। शी वेंट टू दुबई अपनी क्लासेस के लिए, सारा कुछ मैं करो। बल्कि एक वीडियो भी वायरल हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं खुद कर रहा था। दैट वाज अ कोविड के दिन थे। कितना परसेंट कुछ समझते हैं इंडस्ट्री के इस हाल का, चाहे वो फिल्म की हो या टेलीविजन की, एक्टर्स को कितना ब्लेम करते हैं? अब तो हर कोई एक्टर है। नहीं सर, मैं यहाँ एक जुमला ऐड करूं, क्योंकि क्वालिटी डाउन कर दी गई, क्वांटिटी को बढ़ा दिया गया, और जो अच्छे लोग हैं उनकी भी मजबूरी बन गई अपने सर्वाइवल के लिए कि स्क्रीन लगी रहे, उसकी वजह से जो है ना हमारा मीडिया बहुत ज्यादा पीछे जाना शुरू हो गया। चीजें सिमटती जा रही हैं और एक वक्त आएगा जब सिर्फ काम करने वाले प्रोफेशनल्स रह जाएंगे और नॉन प्रोफेशनल्स इंशाल्लाह वो झड़ जाएंगे। हर चीज में एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस के बाद चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाती है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे जी सरकार में, मोहम्मद राना साहब हमारे साथ मौजूद है, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी। When I was in India, उन्होंने ऑफर किया मुझे इंडियन पासपोर्ट, मैं आई एम वेरी सॉरी, नेशनलिटी तो चेंज नहीं हो सकती, आई एम अ पाकिस्तानी एंड आई एम अ पाकिस्तानी। वाह 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 वाह, अच्छी बात। मैं आप तीनों की तरफ आता हूँ, ये भी एंड में ही आएगा, मैं कहता हूँ आधी नींद तो पूरी, आधी नींद तो, हाँ क्योंकि तो कुछ बेचना शुरू कर दो। नहीं तो ये उसमें आपका अपना नुकसान है, आप लोगों के अपने पैसे कटेंगे। जी जी, लोगों का ऐसा कहना है कि यू कुडंट मेमोराइज द स्क्रिप्ट, ऐसा क्या वाकई है? आपको एक बात बताऊं, आपको मैं SMS भी करूंगा, वो WhatsApp कर दूंगा। ये तो नंबर लेने का बहाना है। वेलकम बैक टू जी सरकार, मोहम्मद राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद जी मुझे ये बात बताइए कि वेब का बोलबाला है आजकल, मेजॉरिटी ऑफ द एक्टर्स दे आर वर्किंग फॉर वेब, कोई ऐसी कोई चीज जो आप फिल्म कर रहे हैं वो आप वेब पे क्यों नहीं लेके जाते? क्योंकि नहीं मैम, आइडियाज ये वाला आइडिया है डेफिनेटली कि इट इज गोइंग टू बी अ वर्ल्ड वाइड रिलीज फिल्म। रिलीज, अच्छा। एंड ऑफ कोर्स सिनेमा में तो जाना ही जाना है। अच्छा, उसके बाद फिर आप काफी प्लेटफॉर्म्स आ गए वेब सीरीज वेब के ऊपर काफी, उसके बाद आप उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो। अच्छा, बट फर्स्ट यू शुड गो फॉर द बिग स्क्रीन।
किसी वेब प्रोजेक्ट की ऑफर हुई? एक हुई थी अभी, अच्छा। दो दिन पहले हुई थी, अगेन इट वॉज नॉट दैट गुड। अच्छा ओके। दूसरा मुझे ये बताएं कि इस बात में कितनी परसेंट सच्चाई है कि जब कोई हिंदुस्तान में काम करके आता है, क्योंकि आपने भी काम किया, तो वापस आने के बाद वो उसके पांव पाकिस्तान की सरजमीन पे लगते नहीं है? देखिए व्हाटएवर आई एम, आई एम बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, व्हाटएवर वी ऑल आर, जो भी हम हैं, हम पाकिस्तान की वजह से हैं। मैं जो हूँ, जारी बात है, अल्लाह के बाद, अपने माँ बाप के बाद, मतलब मेरे खानदान का नाम, मतलब क्रिकेटिंग फैमिली सारी, तो मुझे जो इज्जत मिली वो फिल्म इंडस्ट्री ने इज्जत दी मुझे। सो आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी, फिल्म इंडस्ट्री वालों का भी और पब्लिक का स्पेशली, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। व्हेन आई वाज इन इंडिया, उन्होंने ऑफर किया मुझे इंडियन पासपोर्ट इन 2003। मैं वेरी सॉरी, नेशनैलिटी तो चेंज नहीं हो सकती, आई एम अ पाकिस्तानी एंड आई एम अ पाकिस्तानी। वाह 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 वाह, रवैयों में कितना फर्क है वैसे वहाँ के लोगों के और यहाँ के लोगों के रवैयों में? प्रोफेशनल, बड़ी मजेदार बात है, प्रोफेशनल तरीके से अगर हम देखें या नॉर्मल आवामी तरीके से देखें तो सर दे आर वेरी प्रोफेशनल, दे आर वेरी प्रोफेशनल। गुलाम अली साहब हमारे जो सिंगर, बहुत बड़े गुलाम अली साहब, बहुत बड़ा नाम, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि किसी ने पूछा कि जी इंडिया और पाकिस्तान में आप इंडिया जाके वो गजल गा के आए हैं, एक चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, सो उनसे पूछा कि क्या फर्क फील किया आपने पाकिस्तान और इंडिया में, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि बेटा सरहद पार मैं गया हूँ, मुझे भगवान कह रहे थे, मैं अपनी सरहद में आया हूँ तो मुझे मरासी कह रहे। कुछ बेचना शुरू कर दो, इसमें आपका अपना नुकसान है, आप लोगों के अपने पैसे कटेंगे। लोगों का ऐसा कहना है कि यू कुडंट मेमोराइज द स्क्रिप्ट, ऐसा क्या वाकई है? आपको मेमोराइज द स्क्रिप्ट? यस, वैसे ये बात गलत है, मैं मेमोराइज करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, नहीं कई दफा ऐसा होता है कि आप कहीं अटक जाते हो, मतलब छोटे से डायलॉग, डेढ़ सफा बोल दिया लेकिन छोटे से डायलॉग पे आप अटक गए हो। मैं इंसान हूँ, नेचुरल। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको मैं SMS भी करूंगा, वो व्हाट्सएप कर दूंगा, ये तो नंबर लेने का बहाना है। मेरी बहन बैठी है सामने, बहुत अच्छा किया, अच्छा किया याद दिला दिया मुझे। बट मैं अभी परसों ही फेसबुक बहुत कम खोलता था, कि मैं खोलता वो मैं एक चीज पढ़ रहा था, मार्लन ब्रांडो की तस्वीर थी और सामने जो बंदा खड़ा हुआ है उसके सामने चार्ट लिखा हुआ था डायलॉग्स का। ओके, ही वाज लुकिंग एट हिम, फिर क्यू लेते थे, फिर बोलते, फिर क्यू लिया, इधर गए, बोला, वापस आया, क्यू वाल, सारा लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ। सही बात, तो वही बात आ गई ना कि पाकिस्तान के लिए बुरा करना है। पता क्या होता है, मैं फातिमा जी आपकी थोड़ी सी वजाहत ये भी करता चलूं, मोहम्मद साहब की तरफ से, कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो आम फहम गुफ्तगु नहीं लिखते, उनको आदत होती है लफ्जों को ट्विस्ट कर देने की, जब फ्लो में लाइनें नहीं लिखी होती तो आप अड़फस हो जाते हैं, सो नो बिग डील। लेकिन हाँ, ये शिकायत है भाई के हवाले से, भाई कर लेते हैं ऐसी हरकत की दफा, तो भाई तो बहुत कुछ कर लेते हैं। भाई के हवाले से और बहुत बहुत सी शिकायत जी, कुछ तीन सवाल हैं आप लोगों के या चार सवाल हैं? हाँ, वो हम फौत हो चुके हैं। सवाल भी और हाँ। नहीं, आप ये बात कर रहे हैं ना इंडिया के, सर हम भी काम कर गए हैं लेकिन किसी वजूहत की, आप किसी के घर का काम करके आए हैं, चाहे आप सुपरमैन है हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री के, नो डाउट नो डाउट, अगर आप स्पाइडरमैन होते कहां चिपकते? नहीं, वो इसीलिए बहुत दूर बैठे हैं सारे जी। है नहीं भैया, आप सोफे पे बैठ जाए, आप भी इंटरव्यू दे रहे हैं। कोशिश करें मुख्तसर बात करें, और अगर बात इस तरह हमें टाइम नहीं ना मिलेगा, इंजी में टाइम कोशिश करें कि मुख्तसर बात करें, और अगर बात लंबी है तो उसमें दो गाने डाल लें। वो भी जब आप रोमांटिक सीन करते हैं फिल्म में तो अगली से पूछ। एक और छोटी सी शिकायत है मूवी जी की, उनके बारे में वैसे तो ये भी कहा जाता है कि जब सेट पे आप आ जाते हैं तो व्हेन यू देयर आपकी प्रेजेंस छा जाते हैं, लेकिन यू कम लेट ऑन सेट। मी? कुछ एक्टर्स हैं जिनकी कंप्लेन है कि आप लेट आते हैं। नहीं, मैं कभी भी लेट नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है।
बिकॉज मैं एक बात बताऊं, बीइंग अ क्रिकेटर फर्स्ट, मैं दामन कॉलेज का कैप्टन भी रहा हूं मैं, तो मेरे फादर ने मुझे एक चीज समझाई थी कि अगर 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे वहां पहुंचना है, यू हैव टू बी इन द ग्राउंड. तो जब मैंने फिल्म में आया तो शादी के बाद इवन अबू छोड़ने जाते थे, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मेरे पास पैसे नहीं थे गाड़ी खरीदने के अपनी, तो मेरी वाइफ इस चीज की गवाह है कि सुबह 9 बजे मुझे वहां पहुंचना, और जब मैं वहां पहुंचता था तो वहां पे सिर्फ झाड़ू फिर रहा होता. मम्मी जी, हमारे पास हमारे एक खोजी साहब है, वो अक्सर किसी न किसी का रुका या दरखास्त या लेटर लेकर आते हैं, वो हमें आके सुनाते हैं. कई दफा तो ऐसे ऐसे खत आए हैं जो उन्होंने पढ़ के सुनाए कि कलेजा निकल आता है, और कई दफा बड़ी बड़ी मजेदार बातें भी करते हैं. तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनको बुला लूं, उनको आपसे मिलने का शौक भी बहुत ज्यादा. तो बहुत सारी तालियों में वेलकम करते हैं जी खोजी साहब. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास. आप बताइए, तबीयत ठीक है? A1 फर्स्ट क्लास सर. तो आज किसका, आज का जो खत है सरकार, ये एक उस लड़की का खत है जो के एक गांव में रहती थी और छोटे होते जो है ना उसकी उसके कजन के साथ मंगनी हुई. अच्छा, जैसे बड़े कर लेते हैं कभी, मैं तेनू कुड़ी देती तू मेनू मुंडा देता, ऐसे कर लेते हैं. उसकी हो गई जी उसके साथ मंगनी. फिर वो पढ़ने चले गई और जब वो वापस आई तो वो कहता तू मेरी मांग है. अब वो बड़ी हो गई है, वो कैसे माने? वो अपना दुखड़ा सुना रही है. अब उसका दुखड़ा सुने जरा जी. बड़ी भी हो गई और पढ़ लिख भी गई, गई वापस आके. कजन उसका वैसे ही रहा, फिल्मी स्टोरी. कजन उसका वैसे ही देहाती रहा, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था. मेरे वाली इशारा कर रहा है जी. वो कहती है जी के आंदा नहीं नू उठना बहना, आंदा नहीं नू उठना बहना, लव यू कहंदा फुड़की पैना. आंदा नहीं उठना पैना, लव यू कहंदा फुड़की पैना. मासी मेरी दा मुंडा है, अकलों शकलों गुंडा है. मासी मेरी दा मुंडा है, अकलों शकलों गुंडा है. मैनू छड़ के सारियां पैना, लव यू कहंदा फुड़की पैना. अच्छा, घरों कदी जे निकला बाहर जावा किसे भी सहेली घर, रफड़ पौंदा आणक लैणा. ना कोई कुंडी ना कोई ठक ठक, ना कोई ठक ठक, सीधा आन के करदा बक बक. ना कोई कुंडी ना कोई ठक ठक, सीधा आन के करदा बक बक. जांदा भी नहीं चन ग्रहण, जांदा भी नहीं चन ग्रहण. लव यू कहंदा फुड़की पैना, ते नेड़े बह के खिज चढ़ावे. नेड़े बह के खिज चढ़ावे, बांदरां वर्गे पोज बनावे. नेड़े बह के खिज चढ़ावे, बांदरां वर्गे पोज बनावे. होरे मगरों कदों ही लैणा. लव यू कहंदा फुड़की पैना. ते जद भी अम्मी उन्हूं चुमदी, जद भी अम्मी उन्हूं चुमदी, फौरन मेरी फिरकी घुमदी. फिर नहीं आ मैं वांश देना. लव यू कहंदा फुड़की पैना. ते मासी मर गई इन्हूं छड़ गई. मासी की निशानी, मासी मर गई, मासी मर गई इन्हूं छड़ गई. अंजम दस क्यों मेरी हर गई. मासी मर गई इनू छड़ गई, अंजम दस क्यों मेरी हर गई. हवरे मगरों कदों ही लैणा. लव यू कहंदा फुड़की. वाह वाह वाह. ते कितनी दफा कहा लव यू? हर गलत काम के बाद लव यू कह देते है ना. ये कोई काम कराना हो आई लव यू. नहीं सर, तीन लव्स आई लव यू से बेहतर है यार. बात कर रहे ना. अच्छा, दो बड़े एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ यार. फिर वो कहेंगे पैसे कट जाएंगे. नहीं मैं कह रहा हूँ सर, नहीं आपके कटेंगे, मेरे बात चले. चले फिर ठीक है, सारे पंच तो आप ही बोल गए. मुकमका कर रहे. तीन लव्स आई लव यू से बेहतर है क्या? पतली हो गई हो. अच्छी बात कर बल्कि साहब की, बड़ी अच्छी बात.
तीन लफ्ज आई लव यू से बेहतर है पतली हो गई हो। छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। सारी उम्र एक खाना खाना पड़े तो क्या खाएंगे आप? मसाले वाले कबाब मेड बाय मेहना चिस्कोरा। सर आजकल का कोई ऐसा फैशन जो आप कभी नहीं करेंगे? फैशन मैं कभी शायद टिकटॉक नहीं बनाऊंगा। शुक्र शुक्र। सर एक खून माफ हो तो किसका करना चाहेंगे? अच्छा क्यों? किसका सर किसका नाम है? मोहम्मद राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद जी काले रंग में बहुत अच्छे लग रहे हैं और फिट माशाल्लाह एज यूजुअल बिकॉज बीइंग अ स्पोर्ट्समैन मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा अपने पे काम करते हो। मेहनत करनी पड़ती है एंड कोविड से पहले मुझे जब थोड़ा सा शक हो गया था दो तीन दिन पहले के जिम्स बंद होने वाले तो मैंने पूरा सामान खरीद के अपना जिम बना लिया घर में जमा कर लिया था एंड आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस के 5:30-6 मैक्स मुझे अपने आप वर्कआउट करना है 45 मिनट्स 35 मिनट्स व्हाटएवर बट जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो इट्स जस्ट मी माय माइंड एंड माय मसल। अच्छा दैट्स इट। और डेली आप डेढ़ एक दो घंटे का है? हाँ यस यस डेली शाम को करते हैं दिन सुबह शाम में आफ्टर 6 उठने के फौरन बाद। सामिया जी थोड़ा सा हमारे भाई के बारे में बताइए। जी अच्छा मुझे ना इनसे दो सवालों के तो क्विक जवाब चाहिए लेकिन एक मुझे इनसे मैसेज चाहिए क्योंकि वो इनकी बात बड़ी मोटिवेशनल है जो कि मैं चाहूंगी कि लोगों को उस बात से फायदा पहुंचे। अच्छा सबसे पहले ये मोहम्मद मुझे बताइए कि आपका सितारा एक इतनी हाइपर एनर्जी वाला है और दूसरी साइड उतनी सॉफ्ट रोमांटिक साइड है, ये इन दो के दरमियान में बैलेंस कैसे होता है या वो नेक बख्त महनाज जो है वो कैसे भुगतती है आपको कैसे मैनेज करती हैं ये बताएं। दो एक्सट्रीम आपके रुख हैं पर्सनालिटी के। एक्चुअली मुझे कोई मैनेज नहीं कर सकता, मैं जैनिन बात बताऊं बहुत मुश्किल काम है। बहुत एक, एक बहुत, दो बड़ी एक्सट्रीम साइड है ना। एक्सट्रीम साइड से यस जी। जारी बात है अल्लाह के बाद जो आपने मेहनाज का नाम लिया माय वाइफ तो उसको भी बहुत सोच समझ के मुझे संभालना पड़ता है कि इस वक्त मैंने ये बात करनी है कि नहीं करनी और जब वो बात कर जाती है आई स्वेयर आई एम टेलिंग यू कोई घंटा दो घंटा तीन घंटे मैं मानता नहीं हूँ फिर मैं कहता हूँ यार बात सही की इसने वो वाली साइड आ जाती वापस शी वॉज राइट तो फिर उसके बाद वो मैं कहता हूँ हाँ नहीं यू वर राइट। भाभी के लिए तालियां। अच्छा नौमान एक तो इन्होंने एक बड़ा डार्क फेज जिंदगी का पीछे भुगता है जिसे मैं लॉकडाउन या डेड लॉक जिंदगी का फेज कह सकती हूँ। एक तो जो मेरी इनके लिए प्रेडिक्शन है कि मुझे ऐसे लगता है जैसे इनमें अब रूहानियत के झटके भी लग रहे हैं। वो मुझे नहीं पता ये क्या महसूस कर रहे हैं लेकिन ये इनकी बीवी के लिए खुशखबरी है कि ये पलटा खा जाएंगे बड़े अनकरीब इनमें ये फेजेस आने वाले हैं। तो नहीं वाली भाभी भाभी का बाबा पलटा खा जाएगा भाभी का तावीज और बाबा कामयाब हो जाएगा। अच्छा एक चीज जो बच्चा आपने जो भी बात की है ना मुझे लिटरली आई स्वेयर आई एम टेलिंग यू मुझे झटके आ रहे हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छी बात मुझे झटके आ रहे बहुत अच्छी बात Literally. बहुत अच्छी बात। वो अल्लाह अल्लाह पाक जब चाहे हदायत दे दे। yes. ये हदायत का तो सारा अल्लाह ताला ने जिस तरह हदायत दी मैं इसके प्रोग्राम में नहीं आऊँ। अच्छा नौमान जी एक बात चूंकि इन दोनों मियां बीवी के साथ हम एक प्रोग्राम कर रहे थे और नजर आता अब तो ये माशाल्लाह एक बड़े रोशन फेज में जाने वाले हैं और एक बड़ा ब्लास्ट मुझे इनके लिए खुशी वाला और एक मार्का जो इस साल से इनके लिए खुल जाएंगे रास्ते जो है इंशाल्लाह अल्लाह पे बिलीव रखना चाहिए। बिल्कुल अल्लाह सबसे बड़ा है and be a fighter not like him. Mohammad sahab chote chote sawal aur quick answers. Zindagi mein koi khauf ya phobia? Aeroplane phobia. Sari umar ek khana khana pade to kya khayenge aap? Masale wale kabab made by mehna chuskora. Chuskora bhai bahut zyada hai na. Sir aajkal ka koi aisa fashion jo aap kabhi nahi karenge? फैशन मैं कभी शायद टिकटॉक नहीं बनाऊंगा। शुक्र शुक्र।
कभी किसी ने आपको मिलने के लिए डराया या धमकाया हो कि अगर आप मुझे नहीं मिले तो मैं यूं करूंगा तो या वो करूंगा, या कोई फैन यूं करूंगा? हाँ, घी भी होने वाला है, घी भी हो सकता है। वो था हाँ, एक दफा यस यस देयर वाज अ प्रॉब्लम, तो वो अपने हाथ काट लेना, ये चीजें, और ये नोइंग दिस दैट आई एम आई हैव गॉट मैरिड, तो मजे की बात ये है कि वो जो थी खातून, भाई अबू के घर हम लोग थे, वो मेरे कमरे तक पहुंच गई थी। अरे कैसे? माय मॉम, अरे रास्ता दस्ते मेरे भाई, अरे भाई सुन तो लो, अब आप आइए, मैं और माय वाइफ वी वर सिटिंग देयर, तो एकदम आ गई, हैप्पी मेरी बर्थडे थी, हैप्पी बर्थडे, सो मैंने आवाज दे पूछा मेरी अम्मी से, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, कहती मैं समझी तुम्हारी कोई दोस्त है तो मम्मी को हैप्पी बर्थडे कह रही है, तो ये काफी हुआ। तो बड़ा मुश्किल से संभाला गया था वो काम। सर, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को किस हरकत से पहचान लेते हैं? दो नंबरी से, दो नंबरी से। कौन सी दो नंबरी बताए? मजाक करे, मजाक करे, मजाक करे। यार ये मैंने कॉल मिलानी है, सिक्का पाई है देश। सर, एक खून माफ हो तो किसका करना चाहेंगे? अच्छा, क्यों? किसका सर, किसका नाम ये? जिंदगी का बहुत सा वक्त जाया किया। आप शो में मेरे लिए आए, शो में आपकी पेमेंट इनको जाएगी। हाँ जी, सर, फजूल तरीन मशवरा जो आपको किसी ने दिया हो, इसलिए अभी थोड़ी देर पहले क्या मेरे लिए है? क्या मेरे लिए है? बेगम साहिबा का कोई काम टालना हो तो क्या बहाना बनाते हैं? आई डोंट थिंक सो, मैंने कभी काम टाला। वाओ, बहाना नेवर। क्या बात, कभी गोली नहीं कराई? कभी गोली नहीं कराई, बैठी हुई पूछ लो। हां, है ना, ये भी कल कल की ही बात है कि कल सारा दिन माशाल्लाह मैं आउट द ड्राइवर। हाय, सर, इससे खुशी होती है। yeah. कभी मैसेज किसी गलत बंदे को सेंड हो गया? माय डैड ही लिख देता। नहीं नहीं, वो एक मैंने वीडियो भेज दी, वो भेज दी कहीं और थी। वीडियो कौन सी वाली भेज दी? हां, बस समझ जाओ ना। मैं अपने दोस्त को दाऊद को मैं कर रहा था, तो डैड भी लिखा हुआ, तो डैड दब गया, तो फिर की होया, फिर फोन आया उधर से, उससे की वीडियो आ गई। नहीं 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 नहीं, वो तो फोन आया, वो तो पागल हो गया है, वो दिमाग खराब है तेरा। मैं कह रही हूँ बस, मतलब ओ यार आला सी। खान साहब के लिए कोई मशवरा? ना छेड़ बलंगानू, इनके जिस तरह जा रहे हैं जाए, उनके कहने का मतलब जिन्नत तेरी मर्जी निचा भेज लिया। नहीं, जिस वो जा रहे हैं, let him do whatever he is doing. Yeah. Okay, you are happy with it. Yeah, you are happy. Okay, सर, आप हर दौर में हैप्पी। मोहम्मद राना साहब की जिंदगी पे अगर फिल्म बनाई जाए तो किसको हीरो लेंगे आप? अभी तक तो लिटरली अभी तक तो मुझे कोई नजर नहीं। सर, कोई ऐसी बात जिस पर फौरन गुस्सा आ जाता हो? कोई मुझे हाथ लगा दे, आपको हाथ लगा दे, हाथ लगा दे, कोई भी, कोई भी, कोई भी, कोई भी, कोई भी, यानी कि आपको कोई छुए या पकड़े या हाथ लगाए तो आपको अच्छा नहीं लगता? यू आर एलर्जिक टू इट? अच्छा, तो सीन में अगर ऐसा हो जाए वो तो अच्छा लगता है, ऐसे पैसे भी मिलते हैं और अच्छा। अगर हीरोइन करे तो ठीक है, छपका चीमा करे और फिर मार पैंती। सर, कभी पुलिस ने रोका हो, चलान हो गया हो,
कभी ऐसा हुआ? बहुत दफा। तो क्या अपना रेफरेंस देते हैं या क्या कर रहे हैं? खुद ही छोड़ देते हैं या ये हाथ से पैसे देते हैं? पैसे ये इतना है जी, इतना चलान हो गया आपका 1200 का मोटरवे पे मोस्टली। सर कुछ अदाकारों के नाम लेता हूँ, आप बताइएगा क्या मशवरा देना चाहेंगे उन्हें। फहद मुस्तफा साहब, अपना आप ही रहे तो अच्छा है। ओके, फैसल कुरैशी साहब, सही शो कर रहा, सही शो कर रहा। हुमायूं सईद साहब, किसी और की फिल्म में भी आ जाओ। अदनान सिद्दीकी साहब, अदनान सिद्दीकी साहब, हुमायूं सिद्दीकी। अच्छा, हुमायूं सिद्दीकी। शान साहब, आई प्रे फॉर जरार, उसकी जो फिल्म आ रही है, अल्लाह पाक हमारी हर फिल्म को कामयाबी दे। जरार से कुछ खवातीन के नाम लेता हूँ, क्या मशवरा देना चाहेंगे? ये तो दो घंटे का प्रोग्राम का मशवरा। हाँ अच्छा जी, मायरा खान साहिबा, स्किल्स बेहतर करें, एक्टिंग स्किल्स बेहतर करें। सबा कमर साहिबा, वंडरफुल एक्ट्रेस, वंडरफुल एक्ट्रेस, अनडाउटेडली। ओके, साइमा साहिबा, साइमा अगेन आई वुड से के अ लेजेंड, उनको मैं क्या बोलूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीरा साहिबा, मीरा आई थिंक ऑलवेज टॉक ऑफ द टाउन, ऑलवेज टॉक ऑफ द टाउन। जाते जाते हमारे ऑडियंस व्यूअर्स को, देखने वालों को, जी सरकार के देखने वालों को क्या सरकार जी कहना चाहेंगे? जी सरकार के देखने वालों को मैं यही कहना चाहूंगा कि नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मारनी जिंदगी में, बस आगे बढ़ते रहना है। ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चीजें आएंगी, बहुत कभी आप वापस जाओगे, कभी फिर आगे जाने की कोशिश करोगे, तो कोशिश जो है वो जरूर आपने करते रहना है एंड नेवर गिव अप। इसी खूबसूरत नोट के साथ जो मोहम्मद राना साहब ने कहा है कि जिंदगी में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़ दें, फेलियर का मतलब ये होता है आप कहीं ना कहीं गलत थे, आपसे गलती हुई है इसलिए आप फेल हुए, फिर ट्राई करें। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला ने अगर आपके नसीब में कामयाबी लिखी है तो आपको ज़रूर मिलेगी। अपना खास ख्याल रखिएगा, जी सरकार की अगली एपिसोड के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक कहीं मत जाइएगा, बैठे रहिए टीवी के साथ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर।